Hello students, this is part 10 of pair of linear equation in two variable. In this video we will discuss about solution of pair of linear equation in two variable by cross multiplication method. Okay, then first of all let consider two equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 a2 b2 is not equal to 0 and c1 and c2 are real number. Okay, for this we have we have value of x is equal to what? B1 C2 minus B2 C1 A1 B2 minus A2 B1. Okay, and we have for y C1 A2 minus C2 A1 by A1 B2 minus A2 B1. First thing you see that denominator are same. Okay, whether it is x or y. Okay, बोथ है डिनोमिनेटर सेम. ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको, एक ट्रिक है, उस ट्रिक से कैसे हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद से हम लोग प्रूफ करेंगे. देन एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम लोग को ए बी सी लेना होगा, ठीक है, उसके बाद से वन टू. ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक्स के लिए क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ए बी से. ये हमारे पास थ्री लेटर है ए बी सी, स्टार्ट करते हैं ए बी से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी माइनस ए बी, और वाई के लिए भी हम देखे हैं अभी क्या डिनोमिनेटर सेम है, ए बी माइनस ए बी. ओके, आफ्टर दिस ए बी हो गया, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बी से लिखना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी सी. ओके, एंड देन आफ्टर सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी, ठीक है, सी के बाद क्या आपको मिलेगा, तो ए, तो सी ए माइनस सी ए. ओके, अब हम लोग क्या करना है, स्टार्ट करना है एक बार वन से और दूसरे बार टू से. तो फर्स्ट स्टार्ट किया वन से, तो वन टू, फिर टू से तो टू वन, वन टू, टू वन, वन टू, टू वन, वन टू, टू वन. ओके, नाउ वी गॉट द फॉर्मूला. ओके, दिस फॉर्मूला वी हैव गॉट. ओके, तो ये ट्रिक बहुत इजी है, इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजिली फॉर्मूला याद कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दिस वी प्रूव दिस फॉर्मूला. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड किए थे वैसा ही हम लोग कर देते हैं. जैसे कि यहां से a1 का x का वैल्यू निकाल रहा है, तो क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ x हमको इक्वल करना पड़ेगा. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, ये कंसिडर्ड कर लिया हम लोग इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है. अब देखिए इसमें क्या कि इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा a2 से, और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करना होगा a1 से, ठीक है ना. कोफिशियंट को इक्वल करना है, तो इसका कोफिशियंट इसमें, इसका कोफिशियंट इसमें मल्टीप्लाई करना होगा. उसके बाद से आप देखते हैं क्या साइन क्या है दोनों का, तो साइन दोनों का है क्या, पॉजिटिव. तो जब पॉजिटिव है यानी लाइक साइन है, तो लाइक साइन के लिए क्या हम लोग सीखे थे, वहां माइनस करना, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं. चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन ए टू एक्स ऑर्डर से लिख ले रहे हैं, ऑर्डर वाइज, ठीक है, वन टू, उसके बाद से क्या ए टू बी वन, ठीक है, प्लस ए टू सी वन इज इक्वल टू क्या, तो जीरो. इसमें आते हैं तो इसमें आएंगे तो आपको ए वन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ए वन ए टू एक्स प्लस क्या चीज, ए वन बी टू प्लस, फिर यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन सी टू इज इक्वल टू क्या, तो जीरो. अब क्या करना है आपको, तो माइनस करना है, तो माइनस करना है तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है. और यहां देखते हैं सर, यहाँ वाई भी होगा और यहाँ भी वाई होगा, ठीक है ना. चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू वाई, ठीक है, प्लस ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, देख रहे हैं ना, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इज इक्वल टू क्या चीज, तो जीरो. अब यहां से कॉमन क्या लेंगे, तो y ले सकते हैं कॉमन, कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहां से, तो आपको मिल जाएगा यहां से क्या,
कि ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू इज इक्वल टू, इसको हम लोग उधर भेजते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू क्या चीज, तो क्या आ गया आपका a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है बाय। अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा नीचे a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है ये मिला आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या कि बट ये फॉर्मूला है हमारे पास और मिला है ये, ठीक है तो एक चीज ध्यान देंगे, तो फर्स्ट टर्म मिला है क्या a1 c2 नहीं मिला है, शायद यहाँ है फर्स्ट में, तो ये हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स माइनस करते हैं इसमें से कॉमन, तो माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कॉमन, तो माइनस करेंगे तो यहाँ आपका क्या मिलेगा ए वन सी वन ए टू, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी वन ए टू, देख लीजिए इस ऑर्डर में हमको लाना है फॉर्मूला में, इसलिए हम लोग ला रहे हैं बस। और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, ठीक है सी टू क्या चीज तो ए वन बाय। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से भी माइनस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं हमको मिला नहीं है, यहाँ ए वन बी टू पहले है, ठीक है ना, पॉजिटिव में और ये निगेटिव, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला एकदम बिल्कुल आ गया, यानी कि y का वैल्यू हमको मिल गया, क्या मिला c1 a2 माइनस c2 a1 by a1 b2 माइनस a2 b1, ओके। आफ्टर दिस अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इसमें, ठीक है, या इसमें किसी भी इक्वेशन में, और हम लोग वहां से x का वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज एक और हम लोग ये कर सकते हैं, एक और क्या कर सकते हैं कि सेम इक्वेशन को y के कोफिशियंट को इक्वल कर दे, ठीक है, y के कोफिशियंट को इक्वल करके कैंसिल कर दे तो बचेगा क्या x, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन डू व्हाट फॉर द वैल्यू ऑफ x, देन इक्वेशन फर्स्ट इंटू बी टू, ओके, माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू बी वन, ठीक है ना, इसका कोफिशियंट दिख रहा है इसमें और इसका कोफिशियंट इसमें, देखिए b2 हो गया और यहाँ b1, और दोनों का साइन क्या है लाइक है, तो लाइक है तो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस करेंगे। अब देखते हैं आगे हम लोग, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो कितना हो गया ए वन बी टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो बी वन बी टू वाई प्लस क्या चीज बी टू सी वन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो जीरो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे बी वन से इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका ए टू बी वन एक्स प्लस, फिर इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बी वन बी टू वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका, तो बी वन सी टू इज इक्वल टू क्या चीज, तो जीरो। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, यहाँ माइनस करना है आपको। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से ये एक्स तो कैंसिल नहीं होगा, बी वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, सॉरी एक्स भी होगा इसके साथ एक्स एक्स, और प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू इज इक्वल टू क्या चीज, तो जीरो। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, तो एक्स, एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ओके, और इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, फिर आपको क्या मिल जाएगा, तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ओके। अब देखते हैं इसमें से आप डायरेक्टली फिर सेंड कर देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बाय, क्या हो गया आपका यहाँ ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, शायद फॉर्मूला मिल गया क्या आपको, देख लेते हैं बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, देखो तो ये एकदम आपका करेक्ट है, ओके। तो बहुत इजी आप लोग इसको समझ लिए, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।